सर वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो, यस सर वॉइस आ रही बेटा? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन तो अगर अपन सिस्टम की डेट टाइम ये प्रिंट कराना है, तो अभी अपन क्या प्रिंट करा रहे हैं, इसको प्रिंट करा, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसी फंक्शन प्रोग्राम को ओवरराइट कर देते हैं। अपन बार बार टाइप करना पड़ रहा है अपन को, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो अभी हमने नाउ फंक्शन जो आपको बताया वो किस लिए बताया बेटा, कि सिस्टम की करंट डेट निकालना। पर करंट डेट्स में से भी अगर आपको मंथ अलग निकालना है, ईयर अलग निकालना है, हावर्स अलग निकालना है, मिनट्स अलग निकालना है, तो उनके लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखिए उसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट में डॉट ईयर, तो ये किसको प्रिंट करेगा, ईयर को प्रिंट करेगा, मंथ को प्रिंट करेगा, ये किसको प्रिंट करेगा, डे डॉट डे, किसको प्रिंट करेगा, डेट को। अगर आपने कर दिया हावर्स, किसको प्रिंट करेगा, हावर्स को। अगर आपने दे दिया मिनट, तो किसको प्रिंट करेगा, मिनट्स को। अगर आपने दे दिया सेकंड, तो किसको प्रिंट करेगा, सेकंड। और फिर अगर आपने दे दिया मिली सेकंड, तो किसको करेगा, मिली सेकंड्स को। तो ये हमने कुछ यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से बना के आपको बताया। अब यहाँ से देखिए इसको रन करा लीजिए। ये देखिए सारी चीजें यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी, आउटपुट दिख रहा है बेटा सबको, आउटपुट दिख रहा है बेटा, नो सर। आउटपुट दिख रहा है बेटा, आप दिख रहा है बेटा। यस सर दिख रहा है। यस सर हाँ, तो ये हमने कुछ फंक्शंस बनाए। देखिए पहला प्रोग्राम हमने जो बनाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं मैं, जो पहला प्रोग्राम हमने बनाया था, ठीक है, सिस्टम की करंट डेट प्रिंट करने के, एक बार देखिए फिर बता देता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हैं। अगर सिस्टम की करंट डेट प्रिंट करानी है, तो अपन कैसे प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया डेमो 1 डेट, जैसे सिस्टम करंट डेट प्रिंट करा, तो हमने क्या बताया, फ्रॉम डेट टाइम, दिख रहा है बेटा, बेटा दिख रहा है सभी को, इंपोर्ट डेट, क्या यूज किया, डेट।
उसके बाद अपन ने यहाँ पे लगाया टूडे, कौन सा फंक्शन लगाया अपन ने, ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया अपन ने, टूडे नाम से, तो टूडे इक्वल टू अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया डेट डॉट टूडे, अब इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट टूडे इज टूडे डेट, और आप यहां से किसको प्रिंट करा लीजिए, टूडे को प्रिंट करा लीजिए, ये हमने बनाया हुआ, ठीक है। अब आप देखिए सिस्टम की क्या प्रिंट कर देगा, रन ये देखिए सिस्टम की करंट डेट प्रिंट कर दी बेटा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन और देखते हैं, अगर सिस्टम का करंट टाइम प्रिंट कराना तो ये तो हमने डेट प्रिंट कराने के लिए बनाया, अगर सिस्टम की करंट टाइम प्रिंट कराना इसी को अपन कमेंट में डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, कमेंट में ही बता देते हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम की, तो अपन यहां पे अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम वही डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम के नाम से ही लिख देते हैं, क्लियर। अब हमने यहां पे कर दिया नाउ इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, कौन सा फंक्शन, नाउ फंक्शन लगा, कौन सा फंक्शन लगा दिया हमने, नाउ फंक्शन लगा दिया, क्लियर। उसके बाद हमने यहां पे किया प्रिंट, और यहां पे हमने कर दिया क्या नाउ, और यहां पे भी कॉल कर दिया हमने नाउ, तो ये देखिए सिस्टम का ये देख करंट टाइम इसने डेट टाइम दोनों प्रिंट कर दिए, क्लियर। और अगर आपको सिर्फ टाइम प्रिंट करना बेटा, टाइम प्रिंट करना, तो टाइम प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप अब यहां से हम तुमको नया वो दिखाते हैं प्रेजेंटेशन, फिर आपको क्लियर होगा, इतना क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब हमारे पास सिस्टम है क्रिएटिंग डेट टाइम ऑब्जेक्ट बता दिया हमने, ये देखिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए, एक हमारे पास फंक्शन है strf time, strf time फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या होता है कि किसी भी डेट टाइम को अपने हिसाब से इसकी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो देखिए ये लिस्ट हम ये प्रोवाइड करा देंगे, बाई अगर आप प्रिंट करोगे परसेंट बाई के साथ फुल ईयर प्रिंट करेगा, स्मॉल बाई अगर करोगे तो शॉर्ट में देगा, अगर कैपिटल बी करोगे तो फुल मंथ में देगा, स्मॉल बी करोगे शॉर्ट मंथ में देगा, एम करोगे तो मंथ 12 आवर्स में देगा, मतलब 1 to 12 में, डी करोगे तो ये डेट देगा, डे देगा 1 से लेके 31 तक के बीच में, ए करोगे फुल भी। ये देखिए स्टाइल हमारे पास डिफरेंट है, ये आपको हम भेज देंगे, अब हम प्रोग्राम इसको यूज कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए, क्लियर। आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई है, आप लोग थोड़ा टाइम से जुड़ेंगे बेटा, कल से ये नेटवर्क इश्यू की वजह से आवाज नहीं आ रही थी, तो हमने आप दे दिया फॉर्मेट डेट टाइम, क्या दिया हमने बेटा फॉर्मेट डेट टाइम, क्लियर। अब इसके बाद अपन क्या चाहते हैं, डेट टाइम को अपन फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं फॉर्मेट, तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास देखिए डिफरेंट पैटर्न है, उनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से पैटर्न है, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहां पे, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, क्या करें इंपोर्ट डेट, क्लियर। उसके बाद हमने यहां पे कर दिया टुडे, टुडे टुडे इक्वल टू डेट डॉट डेट डॉट टुडे, भाई बेटा आवाज अपनी ऑफ रखिए, डेट डॉट टुडे, क्लियर। उसके बाद अब अपन इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो हमने यहां विंडो ले दिया, पीपीटी दिख रही सर, आप दिख रहे हैं बेटा, यस सर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे D1 ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब D1 में हम इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हमने टुडे एक फंक्शन हमने अभी आपको बताया था एस टी आर एफ टाइम, क्या बताया एस टी आर एफ टाइम,
इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अपन ने यहां पे दे दिया क्या परसेंट डी स्मॉल में, फिर हमने दे दिया यहाँ पे क्या परसेंट एम स्मॉल में और परसेंट बाई स्मॉल में, या आपने यहाँ पे दे दिया बाई को कैपिटल, किसमें दे दिया बाई को कैपिटल। ये देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट पीपीटी में आपको दिखा रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग की लिस्ट है बेटा, इस लिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये देखिए हमने आपको अभी बताया, ये देखिए लिस्ट दिख रही है ना बेटा, इस लिस्ट में देखिए सबका मतलब है, यहाँ से इन लिस्ट का अपने हिसाब से आप मैनेज करेंगे, क्लियर, इनको पढ़ेंगे याद करेंगे और इन्हीं लिस्ट के हिसाब से आप किसी को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, किस फंक्शन के अंदर एसटीआर एफ टाइम फंक्शंस के अंदर, क्लियर। ये आपका कैसा फंक्शन है, विल्टन फंक्शन है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से डी दे दिया और उसके बाद ये जो फॉर्मेट हमारे पास आएगा वो आएगा डी डी एम एम बाई, यानी यहाँ पे जो फॉर्मेट आएगा कमेंट लगा के बता भी देता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मेट आएगा कैसा आएगा डी डी एम एम और किसमें आएगा बाई बाई, क्लियर, इस फॉर्मेट में आएगा, क्लियर। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे डी वन को प्रिंट। सर विंडो नहीं सो रही। अब यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो किसको प्रिंट कर रहे हैं, डी वन जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, तो डी वन क्लियर कॉमा और यहाँ डी वन को अपन दे दिया, डी वन को अपन ने यहाँ से दे दिया, रन कराते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए डेट हमारे इस टाइप से आ रहे हैं, अगर इसमें कोई आप स्पेशल सिंबल्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हो, ठीक। ये देखिए इस टाइप से आपने अपने हिसाब से पूरा डेट को प्रिंट करा लिया, क्लियर। अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, अपन दूसरा फॉर्मेट कैसे चाहते हैं कि मंथ डे और ईयर, और वो किस फॉर्मेट में चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं, किसमें चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो अपन आप चाहते हैं किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट। दिख रही स्क्रीन की नहीं आप? यस सर, टेक्स्ट फॉर्मेट। अब किस चीज चाहिए हमारे को, टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में अपन करने के लिए क्या करेंगे, अपन डी टू ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, उसके टू डे जो हमने बनाया उसके बाद हमने आप लिया क्या एस टी आर डेट टाइम फंक्शन, इसके अंदर अब अपन दे देंगे क्या परसेंट बी कैपिटल में, ठीक है परसेंट बी कैपिटल में, फिर हमने दे दिया यहाँ पे स्पेस परसेंट डी स्मॉल में, फिर अपन ने क्या दे दिया बाई कैपिटल में, क्या दे दिया बाई, ये देख इस फॉर्म में। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल सिंबल यूज करना चाहते हैं तो स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। और यहां पे हमने कर दिया प्रिंट डी टू को प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा रही डी टू, चाहे तो यहां मैसेज भी दे सकते हैं, क्या दे दिया हमने यहां डी टू, आप इसको रन करा दीजिए इस टाइम। ये किस फॉर्मेट में आने लगा बेटा, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अभी देखिए हमने यहां बताया भी था कि जो व्यू बी होता है वो हमारा किस में रिटर्न करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, ये सारी लिस्ट बी किस में देता है आपको, फुल मंथ नेम, क्या देता है फुल मंथ नेम, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो ये फॉर्मेटिंग वाले आपको सभी में इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। क्लियर, तो ये हमने कुछ आज आपको बताए थे, डेट टाइम क्या बताएं, डेट टाइम और फंक्शंस, क्लियर। तो इनको आप लोग यूज करेंगे, किसी स्टूडेंट को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमें बताएगा जरूर, ठीक है। ये हम सारे कोड और ये सब भेज देंगे, आप इनको रन करा लीजिए, पूरा पीपीटी भेज देंगे आप, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है, किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है आज बेटा, अटेंडेंस कॉलेज क्यों नहीं आते हो, चलिए ठीक है, थैंक यू।